इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज फेडरेशन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसोसिएशन ट्वीट बैनर द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 13 सितंबर से 20 सितंबर बैंक का स्थापना दिन सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस वक्त कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। 13 सितंबर 2020 को ट्वीन बैनर के द्वारा पुणे में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह में अपने बैंक के कर्मचारी अधिकारी सहभाग लेंगे तथा प्रतिज्ञा लेकर उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान कर बैंक के विकास के प्रति अपने समर्पण का संकल्प लेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आइडेंटिटी, उसका अस्तित्व एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में रूप में रखना चाहते हैं। आज यह प्रतिज्ञा लेने का कारण मुख्य बनता है क्योंकि विभिन्न माध्यमों द्वारा और विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा कुछ समाचार हमें ऐसे मिले हैं कि बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है और उसमें चार बैंकों के नाम हैं, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। ये बैंकों का निजीकरण करने का प्रयास सरकार कर रही है। ये निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसका अस्तित्व रहना चाहिए, इसका सार्वजनिक स्वरूप रहना चाहिए और आम जनता को आज तक हम जो सेवा देते आए हैं वो सेवाएं हम लोग उनको देना चाहते हैं, इसलिए उसका राष्ट्रीयकृत ढांचा बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए और यह बैंक सार्वजनिक क्षेत्रों में ही रहना चाहिए। ये हमारा प्रयास, ये हमारा कहना और ये सरकार को हमारा निवेदन है। इस शपथ ग्रहण के द्वारा हम बैंक को अधिक मजबूत बनाने के लिए उसका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में चरित्र कायम रखने तथा सामान्य जनता की बचत को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा का भी वचन देंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्टिंग, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।